Hello everyone, now welcome back to my new video. In this video we are discuss how to use Maximo animation on Prisma 3D. So इस video के अंदर यही बात करेंगे कैसे आप Maximo animation को अपने Android phone में use कर सकते हो. So let's start our video without any time waste. पर उससे पहले channel को subscribe करो. करो ना यार. अरे भाई करो. करो friend, करो यार तुम भी करो. अरे यार तुम भी करो यार जल्दी करो. कर दिए. अरे भाई थैंक यू ब्रदर. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले आपको क्या करना होगा यार, आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी. चलो हम पहले अपने फोन के स्क्रीन पे चलते हैं. तो ये आ चुके हैं. अब हम अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं. इसको हमें ओपन करना और डेस्कटॉप मोड पे आपको पहले ही से कर लेना है. मैंने नहीं किया था इसे बाद में करूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं. चलो फिर आप सर्च करना है आपको Maximo. तो इसको आप जैसे ही सर्च करोगे इसमें बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी. इनमें से आपको एक वेबसाइट चूज करनी होगी. तो वो कौन सी वेबसाइट है उसके बारे में बताऊंगा. ये रहा, इस पे आपको सिलेक्ट करके इसे ओपन कर लेना है. आपका जैसे ही ओपन हो जाएगा ये लॉगिन करने को कहेगा. तो मुझे भी लॉगिन करना पड़ेगा यार, क्योंकि मैंने भी सब कुछ क्लियर करके वापस से स्टार्ट किया था. तो चलो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं. मैं तो यार सिंपल सा यार ईमेल आईडी से लॉगिन करूंगा नहीं, सीधा फेसबुक से लॉगिन कर लेना है, क्योंकि उससे आसान हो जाएगा, अपना डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह नहीं पूछता है. तो ये रहा अपना लॉगिन हो चुका है. लॉगिन होने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यार. जितने भी इसकी फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा कर लेना है. इसके सारे प्रोसेस को पूरा हो जाने देना है. जैसे पूरा हो जाता है तो अपना इस तरीके कुछ इंटरफेस आएगा. इसमें यार आपको इन्फिनिटी एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने 3D एनिमेशन में. कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें सब में वर्क करता है Maximo एनिमेशन. तो इसमें आपको लोड्स ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है. बहुत सारे कैरेक्टर एनिमेशन तो देखने को मिलते हैं. देखो स्लाइड करके मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे एनिमेशन है यार. आप सर्च करके देखोगे तभी आपको जो एनिमेशन चाहिए ना उसे सर्च करके ही देखना, वरना आपको ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाओगे. 20-25 दिन लग जाएगा तब जाके आपको शायद एक एनिमेशन देखने को मिले. इसलिए कह रहा हूँ यार सर्च करके डायरेक्ट देख लेना. आपको कैरेक्टर दिखाता हूँ. देखो इसमें कैरेक्टर यार, भाई कैरेक्टर देख के तो मैं हैरान था. एक मूवी पूरी क्रिएट ही कर देने का मन कर रहा है. इतने सारे कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं. कम से कम 250 प्लस कैरेक्टर हमें इसमें शायद देखने को मिल जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं. इसमें से हम एक कैरेक्टर को चूज कर लेंगे. बात कर लेते हैं यार अपना कैरेक्टर कैसे ऐड कर सकते हो. तो ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, हाँ इसी पे क्लिक करना है. इसमें FBS ऑब्जेक्ट ZIP मतलब जिप फाइल इसमें एक्सपोर्ट हो जाता है. तो आपको फाइल में जहां पर अपना कैरेक्टर डाउनलोड करके रखा हो वहां से उठाना है. तो मेरे डाउनलोड वाले सेक्शन में है, हम टैटू बंडल को उठाएंगे. ये रहा टैटू बंडल. इसके स्ट्रक्चर पे गए, FBX फाइल को आपने इंपोर्ट कर लेना है इसमें. तो आपका जैसे ही ये हो जाता है, चलो अभी लोडिंग हो रहा है, प्रोसेस हो जाने दो. अपना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. नाउ हमारे सामने आ चुका है हमारा मॉडल. तो ये रहा अपना मॉडल. इसमें आपको बोन वगैरह भी ऐड करने होंगे. वो कैसे ऐड करने सब बताऊंगा यार, सबर करो. चलो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है. सिंपल इस पे जैसे क्लिक करोगे देखो जो जो कलर का जिधर जिधर अपने को साइड में पिक्चर दिख रहा है ना, हाँ यही वाले पिक्चर को सेम देख के आपको अपने मॉडल पे बोन सेट करना होगा. उसी हिसाब से सेट कर लेना. इसके लिए आपको एक दूसरी कोई ब्राउजर है उस पे जाके कर लेना, इसको आप सेट कर लेना. अगर ये आपका सेट हो जाता है तो उसके बाद आप यार सीधा एनिमेशन पे जाना, अपना जो भी एनिमेशन वगैरह वो कर लेना. मुझे वाला कैरेक्टर नहीं चाहिए, मैं सिंपल इनमें से एक कैरेक्टर चूज करूंगा. कौन फालतू मथामारी करेगा यार, इसी में से उठाओ. तो इसमें से मेरे को ये कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा था जो ऊपर गया. हाँ हाँ ये कौन सा यार, ये वाला कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लग रहा है. तो इसी कैरेक्टर को मैं ले लेता हूँ. तो मैंने ये कैरेक्टर चूज कर लिया. देखो अपने सामने आ चुका है ना. इसमें आप बारी आती है एनिमेशन कैसे डाल सकते हो. सिंपल है, एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाओ, क्लिक करो, बहुत सारे एनिमेशन दिख जाएगा. पर हमें यार एक काम करते हैं, वॉकिंग या रनिंग वाला सर्च करते हैं. तो रनिंग वाला सर्च कर लेते हैं यार. तो रनिंग वाला हमने सर्च किया. जैसे ही हमने रनिंग वाला सर्च किया इसमें बहुत सारे आ जाएंगे यार, इतने सारे आ जाएंगे. आप चूज करते करते थक जाओगे, आखिर कौन सा इसमें से सिलेक्ट करूं. तो अपने स्टोरी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना. जिस तरीके की स्टोरी आपने क्रिएट की होगी, बनाई होगी, आपके माइंड में होगी, उसी हिसाब से सेट कर लेना. देखो ये अपने आ चुका है. अब इसके कुछ सेटिंग्स भी आपको बता देता हूं कि स्पीड वगैरह कैसे आप सेट कर सकते हो. ये रहे इसके जो साइड में स्पीड लिखा है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना. ओवरड्राइव भी एडजस्ट कर लेना, इससे बहुत तेज भागने लग जाएगा. ये आप 0 पे रखना तब बढ़िया रहेगा. वैसे तो 50 पे मीडियम रहता है, पर मैं इसको एकदम स्मूथ चलाने वाला हूँ, एकदम स्लो. ये इतना कर लेना, आर्म वार्म को मत छेड़ना, जितना भी स्पेस वगैरह वो उतना रहने देना. अब ये जो हैंडेट है इसको आपको 150 कर लेना है. इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है. तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ नहीं छेड़ना है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है. जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा फाइल में चला जाएगा. तो अभी अपना एक ऑप्शन आएगा, ये रहा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है. चलो ये अपना डाउनलोड हो चुका है. अब चलते हैं अपने Prisma 3D ऐप के अंदर. आपको पता होगा यार इसके ऊपर हमने कई वीडियोस बना के रखी हुई, जिसे मैं एक एक पार्ट में समझाता गया. इस तरह एनिमेशन करो, इस तरह मूवमेंट करो, इस तरह बैकग्राउंड सेट करो, इस तरह इसका स्ट्रक्चर जो भी है वो ऐड करो, इसका आप थीम कैसे, आप क्यूब ऐड करके साइड पोज दे सकते हो, कुछ भी हो यार, बहुत कुछ मैंने डिटेल से बताया. तो अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में देखते हैं कहाँ पर है. स्लाइड करके नीचे देखते हैं यार अभी तक मिले हैं. हमारी पिछली वीडियो की कुछ फोटोज है जिसको मैंने बनाया था अपनी पिछली वीडियो में, जाके देख लेना. बढ़िया लगे तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब करो यार ब्रदर. आपको ही कह
रहा हूँ सब्सक्राइब करो, कर दिए, चलो ठीक है। देखो ये यस पे करना है, काफी लोग क्या करते हैं इसे नो पे कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। यस पे करके रखना है तभी आपका काम बनेगा, एनिमेशन वर्क करेगा, वरना नहीं। अब सिंपल आपको एनिमेशन पे जाना है, तो वो अपना करेक्टर आ चुका है ना। अब सिंपल क्या करते हैं, हम एनिमेशन पे जाते हैं, जो प्ले वाला बटन है इसको क्लिक कर देते हैं, तो अपना एनिमेशन चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बार बार कह रहा हूँ तो कर ही लो।